हेलो व्यूअर्स, दिस इज मंजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग विली राइडर। सुबह आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मेरे पीछे खड़ी है मेटियोर 350 जो कि रॉयल एनफील्ड की है। इसके बाद आप लोग जान ही चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो को भी देख लीजिए, प्रॉपर डिटेल्स में आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो क्या कुछ खास देखते हैं, चलो। सो फ्रेंड्स, ये है मेटियोर 350 जो कि रॉयल एनफील्ड की है, और ये इसका फ्रंट प्रोफाइल है। ये देख लीजिए, कुछ ऐसी दिखती है। ओके, और यहाँ पे आपको बड़ी सी राउंड शेप में आपको हैलोजन हेडलैम्प मिल जाता है, और यहाँ पे आपको राउंड शेप में इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि हैलोजन में ही आते हैं, और आगे से देखने में कुछ ऐसी दिखती है। इसकी जो लुक कैसी लगती है आप सबको, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, एक पतली सी, ये आपको यहाँ पे DRL मिल जाते हैं। ओके, सो अगर अभी की मिलता है तो मैं इसको ऑन करके दिखा दूंगा। इस साइड देखें तो आपको जो सस्पेंशन, आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही मिल जाता है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर का यूज़ किया गया, और ये जो इसकी फ्रंट मडगार्ड है आपको फाइबर में मिल जाती है जो कि ब्लैक फिनिश में आती है। नीचे की तरफ देखें तो आपको इसमें बड़ी सी डिस्क मिल जाती है जो कि डुअल चैनल ABS के साथ आती है, और यहाँ पे आपको बाइब्री का जो है ब्रेक कैलिपर इसमें यूज़ किया गया। अलॉय व्हील कुछ ऐसी है इसकी। और इसकी जो टायर सेक्शन की बात करें तो आपको इसमें 190 और इसमें आपको 19 इंच के आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं। ये इसकी साइज़ यहाँ आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इंजन की बात करें तो आपको इसमें 350cc का इंजन मिल जाता है। इसकी जो पावर टॉर्क है आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं लेग गार्ड, क्रैश गार्ड, जो भी बोल लो आप इसे, ये भी आपको ब्लैक फिनिश में मिल जाता है, और ये काफ़ी बड़ी है। ये आपका एग्जॉस्ट पाइप है, और इसका एग्जॉस्ट पाइप बहुत ज़्यादा लंबा है, देख लो आप। और इसकी जो है फिनिश आपको ब्लैक में मिल जाती है फुल्ली, और आपको ब्रेक पैडल से लेकर के आपको पीछे तक हिप प्लेट का यूज़ किया गया जो कि काफ़ी बड़ी है, ये देख लीजिए। और इसकी जो फिनिश है वो भी आपको ब्लैक में ही मिल जाती है। फ्रेंड्स, अभी मैं शोरूम में हूँ, सो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रहा होगा, इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए तो आपको ब्रेक पैडल मिल जाती है, और इसमें रबर का भी यूज़ किया गया। इसमें भी आपको कोई भी किसी प्रकार का किक देखने को नहीं मिलता है। ओके, और इसकी जो रियर ब्रेक फ्लूड है आपको यहाँ पे मिल जाती है इंजन के पास ही। ये आपको साइड पैनल है, ये भी आपको फाइबर में है, जहाँ पे आपको मेटियोर 350 लिखा हुआ मिल जाता है। और नीचे में और कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको फुट पैक्स मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ देखें तो आपको यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग है। ओके, और ये इसका एक पूरी तरह से प्लेन टैंक का जो कलर है, इसको प्लेन ही रखा गया है, कोई भी स्टिकर यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया। दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसकी जो है जो टैंक कैपेसिटी है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 14.5 लीटर की मिल जाती है, और वही माइलेज की बात करें तो आप इजिली 35 की माइलेज निकाल सकते हैं। ये आपके जो भी राइड क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है आप कैसे इसको चलाते हो। ओके, हैंडल की बात करें तो आपको जो है हैंडल देख लीजिए, काफ़ी कम्फर्टेबल है, काफ़ी बड़ी हैंडल इसमें मिल जाती है जो कि ब्लैक फिनिश में आती है। और लेफ्ट हैंड साइड आपको हाई बीम, लो बीम, और इसी में आपको पास स्विच देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको यहाँ से ट्रिप वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। इस साइड आपको साइड टर्न इंडिकेटर्स का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आपको हॉर्न। वही राइट साइड आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसमें भी आपको हजार्ड का स्विच दिया गया है, और यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच, और इसी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसकी जो है सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको स्प्लिट सीट ही मिलता है, लेकिन ये आपको जो है काफ़ी कंफर्टेबल है, और ज़्यादा इसकी जो है हाइट ज़्यादा नहीं है, तो जो भी जो है शॉर्ट राइडर्स हैं, जो भी जिनकी हाइट कम है, वो इस बाइक को परचेज कर सकते हैं और ईजिली इसको राइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, बड़ी सी आपको ग्रैब बार मिल जाती है आपको पकड़ने के लिए पिलियन को, और ये जो है आपको ब्लैक फिनिश में ही मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड का यूज़ किया गया, ठीक है। और ये जो है आपका सस्पेंशन एज यूजुअल नॉर्मल सस्पेंशन का यूज़ किया गया। यहाँ पे आपको फुट पैक्स मिल जाते हैं, और अगर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको चेन जो है आपको ओपन चेन सिस्टम इसमें देखने को मिल जाता है, कोई भी चेन कवर वगैरह नहीं मिलता है। साइड स्टैंड मिल जाता है आपको, ये भी आपको ब्लैक फिनिश में मिलता है। और एक शिकायत है, इसको और अगर फ्लैट किया जाता, कई दफ़ा होती है ये धंस जाती है मिट्टी वगैरह में, तो इसको थोड़ी सी और फ्लैट करते हैं तो और अच्छा रहता। कोई नहीं,
यहाँ पे आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच मिल जाते हैं, जैसे ही आपकी जो बाइक है गियर वगैरह में रहती है और आप आगे मूव करना चाहते हैं तो आपकी बाइक जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। यहाँ पे आपको ड्यूल स्टैंड भी मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर पीछे की जो है डिस्क की बात करें तो काफ़ी बड़ी इसमें डिस्क मिल जाती है। यहाँ पे आपको ABS मिल जाता है, बाइब्री के आपको ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको अलॉय व्हील मिल जाता है जो कि ब्लैक फिनिश में, और यहाँ पे जो है अलॉय व्हील पे एक स्टिकर का यूज़ किया गया है जो कि ग्रीन में, क्योंकि ये जो है मैट ग्रीन है सो उस हिसाब से इसमें जो है स्टिकरिंग वगैरह की गई है। यहाँ पे टायर सेक्शन की बात करें तो आपको इसमें भी 140 सेक्शन का 17 इंच के आपको इसमें अलॉय व्हील मिल जाते हैं, और टायर सेक्शन काफ़ी ज़्यादा वाइड है, इससे आपको जो है ग्रिप अच्छी खासी मिलने वाली है। यहाँ पे आपको C8 का जो है टायर यूज़ किया गया है। पीछे की तरफ बात करें तो आपको यहाँ पे राउंड शेप में आपको टेल लैम्प मिल जाता है, यहाँ पे राउंड शेप में आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए लाइट दी गई है, और नीचे में आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है पीछे की तरफ, और ये इसकी कुछ रियर प्रोफाइल है। पीछे से देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अच्छा, ये जो आपको मड गार्ड है आपको पीछे का जो है ये आपको मेटल में मिल जाता है जो कि अच्छी बात है।